हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफी लंबे समय बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट भी है इस पर्टिकुलर टाइम पे, और वो डाउट है कि क्या IIMU CET दिसंबर 2020 जो है वो कैंसिल हो चुका है। क्योंकि ये डाउट इतना ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जाम का वेट कर रहे होते हैं। कौन लोग एग्जाम का वेट कर रहे होते हैं? जिन्होंने या तो IIMU CET जो मेन जो होता है जून में IIMU CET, वो IIMU CET के लिए अप्लाई नहीं किया, वो किसी वजह से रह गए और उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था लेकिन वो किसी वजह से रह गए, उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाए, और उस टाइम अप्लाई ना करने की वजह से IIMU CET में उनको कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिला और उन्होंने चूज किया कि चलो छोड़ो, अगर अभी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो 3-4 महीने 6 महीने वेट कर लेते हैं, फिर से IIMU CET देंगे और उसके बाद में जो है किसी अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ वो अपने 5-6 महीने जो है वो ड्रॉप करेंगे, वो किसी दूसरे छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और वो एक IIMU CET अच्छे से देकर उसके बाद में वो एक अच्छे कॉलेज में ही जाना प्रेफर करेंगे। और ऑफकोर्स ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि DNS करना चाहते हैं मोस्टली, क्योंकि जो BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग के बैचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त में ही शुरू होते हैं, वो फरवरी में शुरू नहीं होते हैं। जो जून में IIMU CET होता है उसके बैचेस स्टार्ट होते हैं अगस्त में, और जो दिसंबर में IIMU CET होता है उसके बैचेस स्टार्ट होते हैं फरवरी में। तो BSc नॉटिकल साइंस और BTech तो हमने यहाँ से पिक्चर से ही बाहर निकाल दिए। तो ऑफकोर्स जो IIMU CET दिसंबर होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ DNS और GP रेटिंग के लिए। तो मोस्टली आज हम बात करेंगे DNS के स्टूडेंट्स के लिए कि DNS के स्टूडेंट्स जो है उनको ये बहुत बड़ा डाउट था कि क्या IIMU CET दिसंबर 2020 कैंसिल हो चुका है। तो सबसे पहली बात, हमको पहले भी पता है कि क्या हुआ था, जो पिछला जो IIMU CET था उसमें मैक्सिमम यही चलता रहा पूरे साल, लोगों को यही डाउट रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा डाउट में थे लोग कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। और एंड में जाकर क्या होता है कि एग्जाम तो होता नहीं है और फिर रैंक सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया गया था नॉर्मलाइजेशन मेथड को अप्लाई करके, और बहुत सारे लोगों को उसमें भी डाउट था कि यार मेरी तो रैंक सही नहीं आई, ये नॉर्मलाइजेशन मेथड में ही कुछ गलत है। बहुत सारे लोगों को अपने अपने डाउट थे, मैंने किसी भी डाउट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑफकोर्स ये लोगों के जो डाउट्स थे उस टाइम पे वो वैलिड थे डाउट। और लोगों को उस टाइम पे ये लगा था कि चलो यार अभी छोड़ो, दिसंबर में तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा, दिसंबर में दे देंगे एग्जाम। लेकिन अब देखिए दिसंबर आ चुका है और अभी तक कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, और अभी के टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराना ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जाम कंडक्ट कराना आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम हो पाएगा। और IIMU की तरफ से जो है अभी तक इस बात के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। अगर देखा जाए तो नॉर्मली इस टाइम पे अराउंड मिड ऑफ दिसंबर या मोस्टली टुवर्ड द एंड ऑफ दिसंबर हो जाता था IIMU CET, लेकिन अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है IIMU की तरफ से कि IIMU CET होगा भी या नहीं दिसंबर वाला अभी तो। और देखा जाए तो अभी अभी जो पिछला जो IIMU CET का बैच था, जो कि नॉर्मल जो समर्स में जो IIMU CET होता है जिसका रैंक सर्टिफिकेट काफी बाद में निकला था, उस पर्टिकुलर बैच की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है नवंबर, मिड नवंबर से उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई है नॉर्मल क्लासेस। तो अभी तो एक महीना लगभग हुआ है पिछले बैच की क्लासेस स्टार्ट हुए हुए, और अभी से उनको एक फिर से एक नया एग्जाम कंडक्ट कराना IIMU के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बार IIMU जो है वो अपना CET कंडक्ट करवा पाएगा इस पर्टिकुलर सेशन में। और कुछ बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है अगर इस पर्टिकुलर सेशन में IIMU CET नहीं होता है तो, क्योंकि यार देखा जाए तो पिछली बार भी जो IIMU CET हुआ था उसकी कुछ खास मतलब था नहीं, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं पाया था, नॉर्मल जो है ऐसे ही रैंक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। तो ये पर्टिकुलर चीज से तो आप बाहर निकल जाओ कि अभी IIMU CET नहीं होता है तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अभी IIMU मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर वे को फिर से अप्रोच करेगा कि वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू जो है रैंक देने के लिए फिर से रेडी होगा। द रीजन इसके पीछे ये है कि पिछली बार IIMU ने रैंक नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाकर रैंक सर्टिफिकेट देना इसलिए सही समझा क्योंकि ऑलरेडी वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपने जारी कर चुके थे और बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके थे, और उस टाइम पे ये लग रहा था कि अगस्त में जो है शायद एग्जाम हो जाएगा, अगस्त तक जो है सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्योंकि IIMU ने ऑलरेडी पैसे ले लिए थे, क्योंकि IIMU ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिए थे, अब इसलिए उनको रिजल्ट तो जारी करना ही था,
उनके ऊपर इस चीज का प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड लगा के रिजल्ट जारी कर लिया। लेकिन अब विलिंगली यही चीज फिर से दोबारा करना, आई डोंट थिंक सो कि ये होगा, क्योंकि आईएमयू भी नहीं चाहता कि इसी तरीके से वो बार बार चीजों को जो है वो कंडक्ट करता रहे। ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि प्रॉपर एग्जाम हो, प्रॉपर एक तरीके से एग्जाम हो, ताकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिजर्व करते हैं, वही आगे आए। तो मुझे नहीं लगता इस बार फिर से जो है आईएमयू सीटी दिसंबर 2020 होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, और अगर क्लैरिफिकेशन आती भी है तो एक काफी लंबा समय जो है वो आईएमयू को देना पड़ेगा सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक हफ्ते तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका स्लॉट जो है ओपन रखे और उसके बाद बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब फॉर्म आगे कब चला गया, तो उनको काफी लंबे समय तक तो एप्लीकेशन फॉर्म का स्लॉट ही ओपन रखना पड़ेगा। उसके बाद में उनको सोचना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएं या फिर हम नॉर्मलाइजेशन मेथड ही फिर से लगाएं, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन मेथड अगर फिर से लगाते हैं तो लोगों का जो है वो ट्रस्ट उठ जाएगा, और हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अप्लाई करें ही ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग कौन से मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, जिनके 12th में ऑलरेडी मार्क्स कम है, तो उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड लगने के बाद भी उनकी रैंक जो है काफी नीचे आने वाली है, तो वो क्यों अपना पैसा वेस्ट करें, राइट। अगर आईएमयू सीईटी हो रहा हो तो शायद तो उसका 12th के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या पता आपकी प्रिपरेशन अच्छी कर ली हो आपने आईएमयू सीईटी के लिए, आपके 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन क्या पता आपने आईएमयू सीईटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की हो और आप आईएमयू सीईटी में काफी अच्छी रैंक लेकर आए, तो एग्जाम का जो है वो अलग ही एक पर्टिकुलर ऑनेस्टी होती है एग्जाम के जो रिजल्ट आते हैं उसमें ये सब चीजें नहीं होती है कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर आपका फ्यूचर जो है वो जज कर लिया जाए, आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस जज कर लिया जाए और उसके बेसिस पे आपको रैंक दे दी जाए। ऑफकोर्स आप भी ऐसा नहीं चाहते और जो आईएमयू है वो भी ऑफकोर्स ऐसा नहीं चाहता। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो आईएमयू सीईटी दिसंबर की जो है आप आस लगाकर बैठे हैं उसको छोड़ दीजिए, आईएमयू सीईटी दिसंबर शायद नहीं हो पाएगा, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप फंस कर ना रहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि तो क्या आईएमयू सीईटी दिसंबर नहीं होगा, तो क्या आईएमयू सीईटी हम जो अगला जो जून में होगा उसके लिए हम वेट करें कि हम पूरा का पूरा अपना जो और जो 6 महीने है वो वेस्ट कर दें, मतलब कंप्लीट एक साल हम पूरा अपना वेस्ट कर दें सिर्फ एक आईएमयू सीईटी के एग्जाम के लिए, तो उसका आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप आईएमयू सीटी दिसंबर देने वाले थे तो मोस्टली यही चांसेस है कि आप जीपी रेटिंग ज्वाइन करने वाले थे या फिर आप डीएनएस ज्वाइन करने वाले थे, तो वो तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अभी भी अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं फेब्रुअरी बैच के लिए, आपको पूरा अपना एक साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, उस चीज की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी थी तो इस क्वेरी को जल्दी से सॉल्व करना था और उस क्वेरी को ही सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में वो जो लाल कलर का बटन है पहले तो उसको दबा दो, दबाने के बाद में उसके पास में जो घंटी आएगी उसको भी दबा दो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने सारे डाउट्स जो है वो लिख दो, हम मैक्सिमम डाउट्स का जो है जवाब देने का ट्राई करते हैं अपने हर एक वीडियो के नीचे, तो अपने डाउट्स को भी पूछो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वो भी जाकर बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, मैं हूँ आपका फ्रेंड जयवर्धन सिंह रानावत, गुड बाय।